यारों जी भर के जील पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझ कल बुलाएगा। है जुनू सा जीने में, है जुनू सीने में। How can I love you more? How can I love you अबे पागल हो गया, सबकी बना रहे उसकी बनाओ खेलने की जाओ। यहाँ पे तीन उस ठंडे दंड बेल रहे हैं देख रहे हो कंडारी भाई के। ऐसे अपने ऐसे उतारेंगे ना स्टाइल से। ये हमारे हैं अखंड पहाड़, ये बात है क्या गाइस? ऐसे उतारो गाइस, ऐसे उतारो, बाकी चीजों पे लोग ध्यान नहीं दे सकते। और लड़कियां बेहोश, अब आपको मैं दिखाता हूँ फैमिली पैक। व्हाट्स अप एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। सो फाइनली नेक्स्ट डे, और आज हम जाएंगे ओली जस्ट 10 से 12 किलोमीटर यहाँ से, जोशीमठ से आगे थोड़ा सा, तो यहाँ से जाएंगे। अब सुबह सुबह हम उठे यहाँ पर लगभग, मतलब सोचा था 6 बजे उठेंगे और 6:30 या 7 बजे तक रेडी होकर निकल लेंगे फटाफट ट्रैकिंग के लिए, बट वो ये ना अपना था लेजी आलसी बंदे, तो धीरे धीरे करके उठे, नहाए धोए, फ्रेश हो गए, चाय वाय पी ली, अब यहाँ से स्टार्ट करते। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ ये जो हमारा, मतलब ये होटल यहाँ पे, और जो यहाँ से बाहर का नज़ारा दिखता है वो दिखता है कुछ ऐसा। ये है यहाँ पर बाहर, और नीचे जो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, डोंट नो क्या है यहाँ पर, क्या कुछ शायद बहुत ही बढ़िया बन रहा है यहाँ पे, टनल वगैरह है शायद, और कुछ घर ये रहे। और उसके बाद जो दिखाता हूँ ये पड़ रही है यहाँ बर्फ़, ये रही यहाँ पे, ये है पड़ रही है बर्फ़ इस वाले पहाड़ पे, और एक है इधर इस वाले पहाड़ पे बर्फ़ पड़ रही है यहाँ पे। हाँ, वैसे तो देखा जाए ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे एज़ यूजुअल, जैसे दिल्ली में ठंड है ना नॉर्मल, उतनी ठंड है, कुछ खास लग नहीं रहा कि हाँ ज़्यादा ठंड है, नॉर्मल ठंड है आराम से। तो रेडी हो चुके हैं सबके सब, चलते हैं और मिलाता हूँ बाकी सभी से आपको। आर यू ऑल रेडी? यस वी आर बॉर्न रेडी। रेडी रेडी बोले बोले जय बोलेगी। यह पानी गर्म करने वाला, जैसे पानी गर्म करते हैं हम दिल्ली से यहाँ लेके आए, और इसमें हमने मैगी बनाई पानी डाल के, और इसके अंदर फिर हमने डाली मैगी और इसको बॉईल करके फिर मैगी बना के खाई। नाइस एक्सपीरियंस, अलग ही। ये हमारी पहाड़ी मैगी है, देखो पहाड़ी स्टाइल में बनी हुई है। यह क्या कहते हैं इसको, कप्पा मैगी। इसके अंदर पानी गर्म करने वाला, इसके अंदर हमारे देव भाई के कलाकार ने इन्होंने बनाई है मैगी। ये लो इसका ले, पानी आ रहा, तुमने ग्रेवी लगा ले ली, लाइट नहीं आ रही ना, ये लो। हाँ नहीं ठीक है, सुड़ कर गरम है ना, कैसा टेस्ट है? बुरी चीज है, बहुत बुरी, गजब है, बवाल है, बवाल है, कैसे बवाल है, बवाल है, बवाल है, ये बवाल है। ये कुछ अलग एक्सपेरिमेंट है, कैसे टेस्ट करके बताओ क्या कैसा है, पतंजलि जैसा लगा, मतलब हल्का ही होगा फिर तो। सो फाइनली वी आर रेडी टू गो, सोचा था कि 7:30 बजे तक निकलेंगे, लेकिन देखो 9 बज चुके हैं और 9 बजे हम निकल रहे हैं यहाँ से। चलो ये होटल
रघुवीर यहाँ का, यहाँ पे स्टे कर हमने तो दो दिन के लिए लिया है। और तेरी गाड़ी, और हमने एक सर्वेंट रखा हुआ है यहाँ पे गाड़ी साफ करने के लिए। 50,000 यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, हमारे पास यहाँ पे बंदा ही कमी है, यहाँ पे जो रेट रखते हैं हमें वो देने ही पड़ते हैं क्योंकि एक ही चीज है यहाँ पे। हाँ ये होटल भी यहाँ पे एक ही है, इसलिए जो रेट मांग रहा है वो रेट हमें देने पड़ रहे हैं। एकदम बढ़िया से करते हुए, हाँ कामयाब हो गए जल्दी आप। और हम यहाँ से जब जा ही रहे थे, ये हमें कल रात को मिला था, ये डॉग, जो ये वाली ब्रीड होती है ना, ये ब्रीड जो पहाड़ में मिलती है, ये वाली ब्रीड मतलब मोस्टली चांसेस है, मेरे को नहीं लगता शायद कहीं और ही मिलती है, एकदम टाइगर टाइगर जैसी ब्रीड है, शेर एकदम बाल के खतरनाक लग रहे हैं इसके, मस्त है। बाय बाय फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जो ओली का मेन पॉइंट है, जो जोशीमठ से होटल लिया था, तो वहाँ से फाइनली पहुँचे हैं। ये 14 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था कवर करा, तो चलते हैं और यहाँ का दिखाता हूँ कुछ लोकेशन, जो व्यू यहाँ से कैसा है। पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे, यहाँ बर्फ़ बर्फ़ है। हम निकले थे वैसे 9 बजे, शायद 9 बजे निकले थे, मैं टाइम भूल जाता हूँ, वैसे 9 बजे निकले थे हम, तो 1 घंटे में पहुँच चुके हैं यहाँ पे, 1 घंटे में पहुँच गए एकदम आराम से, और मज़ा आने वाला, स्टे कनेक्टेड, देखते रहो एंड तक। अरे चॉकलेट्स फॉर एनर्जी, और ये क्या लेके फ्रिज है ना, फ्रिज है एनर्जी के लिए। और हम भागते हुए जा रहे हैं ऊपर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भागते हुए चॉकलेट की शर्त लगी जो सबसे पहले, वाह
ऊपर बचेगा उसको चॉकलेट मिलेगी जो एक्स्ट्रा इनके पास चॉकलेट पड़ी हुई है। ओह माय गॉड, 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, 50 मीटर ऊपर चढ़ते ही हालत खराब। सिर्फ भागते हुए नहीं भागा जा रहा बिल्कुल भी, सांस फूल से जा रही है, आठ ठंडे हो रहे हैं। भैया थक गए, 10 मीटर पर भागते भागते इनको चॉकलेट नहीं चाहिए क्या? कैसा लग रहा है आपको भागते भागते? शब्दों में बयान करना ये आवाज़ भी नहीं निकल रही इनके मुँह से, तो सांस की आवाज़ ज़्यादा निकल रही है और शब्दों की कम। और ये ओम भैया सबसे पहले ऊपर पहुँच चुके लगता है, बहुत तेज चल रहे हैं हमसे आगे, कैच ले रहे हैं। हम भी पहुँच गए फटाफट ऊपर, चलो चॉकलेट दो। टॉप की बात नहीं है, है? हाँ। टॉप की तो आ तो गया आपके साथ, टॉप की बात नहीं है, दे नहीं रहा चॉकलेट, नहीं दे रहे हमें। वहाँ पहुँचना है जो वो दिख रहा है, हट जा हट जा, पिलर वहाँ पे पहुँचना है, पैदल चल रहा है। ये लिख रही है, लग रहा है कि यहाँ पर है, बहुत पास है, बट हालत ख़राब हो जाएगी अभी। यहाँ 200 मीटर ऊपर चढ़ते ही हो गई हालत ख़राब। 10 टाइम चढ़े कहाँ से? यहाँ से जो ये माला चढ़ लूँगा, ये ब्लू वाला है, ये चढ़ने में यहाँ से आया हम, ऐसे से हो गई कैमरा मैन। दीपक भाई पहाड़ पे चढ़ना है तो यहाँ पे चाहिए हमें एनर्जी, उसके लिए मिलेगी फिज। हम पहुंचे हैं आर्टिफिशियल वाटर स्टोरेज लेक ओली, आ रहा हूँ। और ये यहाँ पे आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, ये वाटर का जो बर्फ आर्टिफिशियल बनी हुई है ये। सो अभी जा रहे हम खच्चर से, ये खच्चर बुक कर दिए घोड़े, आई एम सो सॉरी, घर लात ना मार दे पीछे से। तो अब जाएंगे हम खच्चर से, ये सामान एक इन्हें रास्ता पता है यार, अरे इन्हें रास्ता ये दे भाई, मेरा हालत तंदुरुस्त लग रहा है। दे फोटो खींच रहा है नहीं? वो कहाँ जा रहा है? ओहो अच्छा उधर रास्ता है क्या, यहाँ से क्यों नहीं जा रहे? यही है क्या, पता है इन्हें रास्ता? चलो कहाँ बैठे ना, यहाँ बैठे ना रास्ता। अरे पानी पीते हुए मेरा घोड़ा पी ले। हेलो कैसा लग रहा है आपको राइड करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। पहली बार हमने हॉर्स की राइडिंग की है। ओ भाई भाई, वो देखो
दीपक भैया के भाई पानी खत्म नहीं होगा भाई पैर तोड़ गया तो मैं कैमरामैन दीपक चौरसिया ये सब लल्लू पंजू एवरीवन सो फाइनली जो हम एकदम ऊंचाई पे आ चुके हैं देख सकते हो एकदम ऊंचाई पे आ चुके हैं हम और जो अभी यहाँ पे पड़ रही है स्नोफॉल मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं है लेकिन हल्की हल्की पड़ रही है देखो स्नोफॉल पड़ रही है तो यहाँ पे मेन जो क्या था यहाँ की जो चढ़ाई है टोटल अभी जो है यहाँ पे 5 किलोमीटर है जहाँ से हम पैदल भी आ सकते हैं और 1 किलोमीटर होता है जो केबल वायर से जब हम आते हैं ऊपर उससे आते हैं और जो 4 किलोमीटर है वो आते हैं हम खच्चर से तो इस बार हम केबल वायर से नहीं आए 1 किलोमीटर तक हम पैदल आए और उसके बाद हमने खच्चर बुक करे जो पर पर्सन ये 700 या 800 रुपये के आसपास है तो 700 या 800 रुपये देते हैं पर पर्सन 700-800 रुपये खच्चर से 4 किलोमीटर की चढ़ाई है जो हम ऊपर तक चढ़ के आए उसके बाद हम पहुंचे यहाँ पर तो पहुंच के और खूब सारी हम यहाँ पे मस्तियाँ कर रहे हैं मौज कर रहे हैं एकदम बर्फ से खेल रहे हैं और बर्फ देखो आप यहाँ पे क्या पड़ी हुई है हमने मतलब जब हम घर पे थे मतलब होटल में थे आज तो हमें लगा कि शायद स्नोफॉल नहीं होगा तो यार मिकार हो जाएगा क्योंकि आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो और इसका स्नोफॉल ना और तो मजा ही नहीं आएगा स्नो गिर गई तो मजा ही नहीं आएगा तो बस भाई इसके बाद जब हम यहाँ पे आए तो स्नोफॉल पड़ेगी तो मजा आ गया अब आप देखो यहाँ पे जो व्यू है यहाँ पे ये देखो स्नोफॉल एकदम पड़ चुके यहाँ व्यू एकदम मजेदार मस्त काफी सारे लोग आए हुए वो जा रहे तीनों भैया इतने आगे चलो हम भी चलते हैं बने का इसमें नहीं है तो बना लो मुझे नहीं पता यार दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ मतलब सही में जैसे कि अब हम घूमने आते हैं कहीं पे भी हम टूरिस्ट बन के आ रहे हैं कहीं पे भी घूमने आ रहे हैं तो यार घूमने आ रहे क्यों आ रहे क्योंकि वो जगह अच्छी है साफ सुथरी जगह है मतलब दिखने में अच्छी तभी तो हम यहाँ पे घूमने आ रहे हैं लेकिन कई लोगों का इतना गंदा हिसाब किताब है इतना गंदा हिसाब किताब मतलब गंद मचाने में मतलब उस जगह को गंदा कर देंगे साफ सुथरी जगह को अब ये देखो आप वो तो यहाँ फेंक रखी है इन्होंने पी पा के यहाँ डाल दिया और बाकी कई सारे रैपर्स हैं काफी सारी चीजें चिप्स हो गए चॉकलेट हो गई इन चीजों के रैपर्स बिस्किट के रैपर्स डाल रखे और यहाँ पूरा मतलब गंदा मचाते हैं भाई तो यार कहना चाहता हूँ ऐसा मत करा करो जो घूमने आ रहे हो क्यों घूमने आ रहे हो कौन आएगा फिर घूमने क्यों करते हो भाई गंदा प्लीज यार रिक्वेस्ट है आप सबसे वीडियो देख रहे हो तो कभी भी अगर आप आओ तो ऐसा काम नहीं करने इन्होंने काम यहाँ पे हम तो अभी हम कुछ अलग करने वाले ये हमारे ओम भाई इनके हाथ में देखो ये पन्नी लगा दी हमने नीचे और यहाँ से अभी हम जाएंगे नीचे फिर चलते हैं वहाँ तक ऐसे टायर पे करा रहे 100 रुपये ले रहे पर बंदे से लेकिन हम अलग से करेंगे तो ये अपने लगा दिए यहाँ पर आप बैठेंगे और पूरा नीचे वहाँ तक जाना है चले कहाँ बैठो आगे बैठो पीछे तो जो पन्नी थी वो कामयाब नहीं पन्नी बीच में से फट गई तो अब हम जा रहे हैं इसी टायर में मेरा टायर में बैठ चुका अभी नहीं रुक जाए बैग टाइट करने तो पहले बस लटक जाओ पीछे कुछ नहीं होगा पीछे लटक जाओ सो वीडियो तो बनाओ इधर भी बना देना पीछे पांव नीचे लगा के चलो दे भाई साल हो गए चले इधर वीडियो बनाओ इधर कर वीडियो क्या बोल रहा हूं नीचे मार के इधर
सो गाइस फाइनली अब हम नीचे जा रहे हैं और आपको बताता हूँ हम कहाँ चढ़ के आए हैं। जो आपको व्हाइट वाला दिख रहा है ये यहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई पर है, जो हम खच्चर से गए थे। तो वो जो व्हाइट वाला वहाँ पे ये पहाड़ पूरा एकदम सुनो सुनो है, वहाँ पे जो हम मज़े करे बस वहाँ से। अब हम नीचे आ चुके हैं, हम आ गए थे 12 बजे ऊपर पहुँच गए थे, 12 से लेके लगा लो पूरे 5 बजते यही इंजॉय करा है। और 5 बजे के अब यहाँ से नीचे जाने का टाइम है और सामने पहाड़ पे लाइट पड़ रही है धूप की मस्त। फाइनली यार बैक एट होम, घर पे नहीं मतलब होटल पे आ चुके हैं। सो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं वहाँ पे कि सुबह हम निकले थे और उसके बाद फाइनली जो हम 10-12 बजे वहाँ पहुँचे और वहाँ तो ट्रैकिंग करते रहे, बर्फ़ में वहाँ खेलते रहे कंटिन्यू 5 बजे तक। 5 बजे वहाँ से निकले, ऑलमोस्ट सारे फ़ोन डेड हो गए हमारे, मतलब कैमरे की बैटरी डेड, फ़ोन की बैटरी डेड, सब डेड। तो वहाँ पर मतलब एंड में कोई भी ब्लॉग का एंड नहीं कर पाया सही से। तो फिर वहीं पे जोशीमठ में रुके और वहीं पे होटल में खाना खा लिया था, उसके बाद डायरेक्ट हम सीधा घर पे आ गए, मतलब जहाँ पे हमने स्टे लिया यहाँ पे आ गए। ज़्यादा थक चुके हैं, सोते हैं, फिर कल हम निकलेंगे दोबारा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।